हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति और दीप्ति मिश्रा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंस्टेंट बनने वाला होममेड रोज़ वाटर की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप मात्र 10 रुपए में बना के रेडी कर सकते हैं। क्योंकि रोज़ वाटर जो होता है उसके बेनिफिट्स तो आपको पता ही हैं, हमारी स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। हमें जब भी अपने स्किन पे कोई फेस पैक लगाना हो तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, या हमारी आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं तब हम उस पर लगाते हैं, या हमें कोई मेकअप उतारना है तब भी हमें रोज़ वाटर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमें अपने फेस को क्लीन करना है तो उसके लिए भी हमें रोज़ वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें डेली या फिर ये कह सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा रोज़ वाटर मार्केट से परचेज करना पड़ता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ जाता है। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 10 रुपए में बनने वाले इस होममेड रोज़ वाटर की रेसिपी लेके आई हूँ। आप भी अपने घर में सिर्फ 10 रुपए में रोज़ वाटर बनाइए और जितना मन करे उतना यूज़ करिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इंस्टेंट बनने वाले रोज़ वाटर की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होममेड रोज़ वाटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मार्केट से थोड़े से देसी गुलाब लिए थे। ये देखें, ये इनकी पत्तियाँ आप जानते हैं कि थोड़ी सी छोटी होती हैं और ये फूल देखने में भी छोटे ही होते हैं। हमें होममेड रोज़ वाटर बनाने के लिए सिर्फ देसी गुलाब ही चाहिए होगा। जो बड़ा वाला गुलाब आता है जिसका कलर भी थोड़ा डार्क होता है, हमें उस गुलाब को इस रोज़ वाटर के लिए यूज़ नहीं करना है। हम यहाँ पे सिर्फ देसी गुलाब से ही ये रोज़ वाटर बना के रेडी करेंगे। और ये सारे फूल मैंने 10 रुपए में ही ख़रीदे थे और उनमें से आप जो अच्छी अच्छी पत्तियाँ हैं उन्हें तोड़ के अलग कर लीजिएगा और जो ख़राब पत्तियाँ हैं उन्हें हटा दीजिएगा। और उसके बाद पत्तियों को एक बार या दो बार आप बहुत अच्छे से इन्हें वॉश ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो गुलाब होता है उनमें छोटा सा एक कीड़ा ज़रूर लगा हुआ होता है। अगर वो दो तीन दिन पहले से स्टोर किए हुए हों, फ्रेश होते हैं तो उनमें कीड़ा नहीं होता है। तो अगर आप मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं गुलाब तो उनको दो तीन बार बहुत अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि हम इनका रोज़ वाटर बना के रेडी करेंगे तो हमारे गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं उनमें किसी भी तरीके की गंदगी या कोई भी कीड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारी पत्तियों को अच्छे से क्लीन करके देखिए प्लेट में अच्छे से फैला लिया है। तो चलिए अब हम अपने रोज़ वाटर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक बर्तन में लगभग एक गिलास पानी को गर्म होने रख दिया है और गैस का फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया है। और जब तक हमारे पानी में उबाल नहीं आने लगता है तब तक हम अपने पानी को गर्म करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पानी है उसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि यहाँ पे हम जो पानी यूज़ करेंगे वो पीने वाला पानी होना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे फ़िल्टर किया हुआ पानी का ही आप यहाँ पे यूज़ करें। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अब हम अपनी जो गुलाब की पत्तियाँ हैं उनको हम गर्म पानी में डाल देंगे। और अब हमें अपने पानी को दोबारा बॉयल नहीं करना है, हम सिर्फ इतने ही बॉयल किए हुए पानी में सारी गुलाब की पत्तियों को डाल देंगे। और पत्तियों को डालने के बाद मैं इसको कवर कर देती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये खुला हुआ है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे गेहूँ का आटा लगा देती हूँ इस तरीके से, ताकि जो हमारी स्टीम है वो बिल्कुल भी बाहर ना जाए। और लगभग एक घंटे के लिए हमें इसको इसी तरीके से ढक के रखना होगा और तब तक हमारा पानी भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, लगभग एक घंटा हो गया है और हमारा जो ये पानी था ये भी पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में गुलाब जल बना रहे हैं तब आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब तक पानी पूरी तरीके से ठंडा ना हो जाए तब तक हम इसको बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। तो अब मैं इसको खोल लेती हूँ। और ये देखिए, जो हमारी ये पत्तियाँ हैं इनका कलर एकदम चेंज हो गया है और पानी ये देखिए आप एकदम पिंक पिंक सा हो गया है। तो हम इसको स्टेन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और स्टेनर, हम इसमें से सारा पानी स्टेन करके निकाल लेंगे। तो देखिए आप, पत्तियों का कलर जो है कितना लाइट हो गया है।
तो हम इन पत्तियों को हटा देंगे। और ये देखिए हमारा गुलाब जल बनके एकदम रेडी हो गया है। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया कलर आया है हमारे गुलाब जल में। उसके बाद आप गुलाब जल को किसी भी कांच के बोतल में करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैं इसका लिड लगा देती हूँ। और ये देखिए दोस्तों हमारा गुलाब जल बनके एकदम रेडी हो गया है। मैंने आज जो आप लोगों के साथ गुलाब जल की रेसिपी शेयर करी है, ये इंस्टेंट बनने वाला गुलाब जल है। एक मार्केट में जो गुलाब जल आता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, उसको हम कितने भी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो एकदम 100% प्योर गुलाब जल होता है। पर ये हमने इंस्टेंट बनाया है गुलाब की पत्तियों से, इसीलिए इसका कलर भी इस तरीके का आया है। और इसको हम लगभग 10 से 15 दिन तक ही स्टोर करके रख सकते हैं, और उसके लिए भी हमें इसको फ्रिज में रखना होगा। तो आप जब भी बनाएं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको ना बनाएं। वैसे आप इसको बिल्कुल उसी की तरह ही आप अपने स्किन पे, आइस पे या कहीं पे भी आप इसको यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, और इसका असर भी बिल्कुल वैसे ही होता है। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट वाला जो गुलाब जल की रेसिपी होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस गुलाब जल का यूज़ आप किसी भी रेसिपी में, खाने वाले जो रेसिपी होती हैं उनमें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उनमें ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसका यूज आप अपने स्किन के किसी भी फेस पैक या अपने मेकअप को उतारने के लिए, सिर्फ आप अपने स्किन के लिए ही इसका यूज़ करें तो वही सही है इसका यूज़। और इसको आप 15 दिन से ज़्यादा स्टोर करके भी ना रखें, ये ख़राब हो जाता है। तो हो सकता है कि आपकी स्किन में उससे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा इंस्टेंट बनने वाले गुलाब जल की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी। ओके बाय बाय, टेक केयर।